तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के ऊपर, और मैंने बार बार आप लोगों को बोला था कि टिकटॉक को अनइंस्टॉल कीजिए और रेटिंग ख़राब दीजिए, रिपोर्ट कीजिए, बहुत कुछ बोला था। तो वो वीडियो अगर मिस कर गए हो तो आई बटन पे देख लो। लेकिन फिर गूगल वालों ने क्या किया, हम लोगों के जो रेटिंग्स है उसको नेगेटिव रेटिंग बोल के हटा दिया, और फिर टिकटॉक 4.1 रेटिंग पे चला आया। और बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे दोस्त बोल रहे थे कि तू कुछ भी बोल यार, हम लोग तो टिकटॉक को ट्राई करेंगे, हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए ज़रूर से ट्राई करेंगे टिकटॉक। तो गवर्नमेंट वालों ने ले ली, इंडियन गवर्नमेंट ने कल अनाउंस कर दिया है टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, कैम स्कैनर जैसे इम्पॉर्टेंट चाइनीज़ 59 एप्लीकेशन को, जो कि अभी इंडिया में बैन है, पूरा बैन है। तो आप टिकटॉक को प्ले स्टोर में जाके ढूंढ सकते हैं, कोई भी टिकटॉक एप्लीकेशंस आपको नहीं मिलेंगे। और यूसी ब्राउज़र जैसे, कैम स्कैनर जैसे और भी एप्लीकेशंस है, 59 एप्लीकेशंस आपको लिस्ट यहाँ पे दिख रहे हैं, अभी वो सब प्ले स्टोर में विजिबल है, लेकिन कुछ ही घंटों में शायद वो भी आप देख नहीं पाओगे। तो ये एक बोल्ड मूव है और बहुत ही अच्छा डिसीजन है मेरे ख्याल से। तो चाइनीज़ पीपल बहुत ज़्यादा घबरा चुके हैं, क्योंकि जो एप्लीकेशंस थे, जो फेमस एप्लीकेशंस इंडिया में बैन हुए हैं, वो फेमस थे क्योंकि इंडियंस यूज़ करते थे, बहुत ज़्यादा यूसी ब्राउज़र को यूज़ करते थे। और बाहर कंट्रीज़ में जितना यूज़ होता है, इंडिया में यूज़र्स बहुत ज़्यादा है। टिकटॉक बोलिए, फिर आप बोलेंगे तो यूसी ब्राउज़र बोलेंगे, कैम स्कैनर बोलेंगे, डू बैटरी सेवर बोलेंगे, ऐसे एप्लीकेशंस इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इनका बैन करना बहुत ही ज़्यादा एक बोल्ड स्टेप है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टेप भी है, मेरे ख्याल से बहुत सही किया है। हम सभी साथ हैं इसके, इस डिसीजन के। मैं आप लोगों को हाथ जोड़ करके बोलता हूँ यार, अगर इनमें से कोई भी एप्लीकेशंस आपके फ़ोन में अभी तक है, प्लीज़ 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 अनइंस्टॉल कीजिए तुरंत, क्योंकि वो इंडिया में बैन हो चुका है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये एक छोटा सा डिस्कशन टाइप वीडियो था, प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, खुद भी अवेयर होइए और लोगों को भी अवेयर कीजिए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।